ए कॉलम और बी कॉलम को देखो जब भी ए वन आ रहा है तभी इसका एसोसिएटेड वैल्यू बी कॉलम में बी वन आ रहा है जितना बार भी रिपीट हुआ है ए वन देन एसोसिएटेड वैल्यू बी वन आ रहा है अगर हम लेंगे तो उसका एसोसिएटेड वैल्यू बी टू आ रहा है ये चेंज नहीं हो रहा है सो दिस एसोसिएशन इज यूनिक सो दैट्स व्हाई यू कैन राइट ए डिटरमाइंस बी लुक हियर हम कैसे लिख रहे हैं ए आर मार्क बी सिमिलरली बी और सी कॉलम को देखो जब भी बी वन आ रहा है तभी सी वन आ रहा है जब भी बी टू आ रहा है तभी सी टू आ रहा है इसीलिए हम लिख सकते हैं बी डिटरमाइंट सी हियर हमने लिखा है बी डिटरमाइन सी अभी हमारे पास दो फंक्शनल डिपेंडेंसी आ गया एक ए डिटरमाइन बी और एक बी डिटरमाइन सी इसको हम बोलेंगे सेट ऑफ एफ डी और सेट ऑफ फंक्शनल डिपेंडेंसी इसका सेट को हम लिखेंगे कैपिटल एफ अभी देखो ए और डी कॉलम को देखो ए वन अभी यहाँ पे आ रहा है डी वन अभी ए वन आया नेक्स्ट टाइम तो वैल्यू चेंज हो गया डी कॉलम में डी टू सो so, इस तरह से होने से ए कॉलम कैन नॉट डिटरमाइन डी कॉलम सो यहां पे देखो लिखा है एक डज नॉट डिटरमाइन डी इन्फरेंस एक्जियम्स एक्जियम्स मतलब रूल्स सिक्स एक्जियम्स और रूल्स है फर्स्ट वन इज रिफ्लेक्सिविटी एक्स डिटरमाइन इट सेल्फ दट इज एक्स डिटरमाइंस एक्स अगमेंटेशन इफ एक्स डिटरमाइंस वाई देन एक्स डिटरमाइंस वाई जेड transitivity if x determines y y determines z then x determines z these three rules are called armstrong axioms or armstrong's rules then number 4 additivity or union if x determines y and x determines z then we can write x determines yz projectivity or decomposition if x determines yz then in decompose we can write x determines y and x determines z so we can see here four and pip are written in the reverse order c dot transitivity if x determines y and y z determines w then we can write x z determines w so these are the six axioms or six rules closure of attribute closure of attribute x is equal to all attribute that are functionally dependent on x it is denoted by x plus question dekho.

नेक्स्ट हम फंक्शनल डिपेंडेंसी देखे ई डिटरमाइन ए लिखा है मतलब ई e से ए आ सकता है इसलिए हमने ए ऐड कर दिया नेक्स्ट हमने लिखा कि ई डिटरमाइन डी लिखा है मतलब डी भी आ सकता है सो डी एड कर दिया अभी हमारे पास आ गया ई ए डी अभी लेफ्ट हैंड साइड में देखो ए डिटरमाइन सी का लेफ्ट हैंड साइड में देखो क्या लिखा है यहाँ पे ए अभी हम देखेंगे हमारे पास ए है क्या यस yes, हमारे पास ए ऑलरेडी आ गया है इसका मतलब हम सी को भी डिटरमाइन कर सकते हैं इसीलिए हमने C को भी एड कर लिया अभी नेक्स्ट तो वाला को देखो A डिटरमाइन D, बट D तो हमारे पास ऑलरेडी आ गया है अब दोबारा ऐड नहीं करेंगे अभी वाला को देखो, F F लिखा लिखा है, A, e लिखा है। इसका मतलब A, E हम चेक करेंगे जो लेफ्ट हैंड साइड में है वो हमारे पास अवेलेबल है क्या यस हमारे पास ई e, भी है ए भी है मतलब हम एफ को भी डिटरमाइन कर सकते हैं इसीलिए हमने एफ को ऐड कर दिया अभी नेक्स्ट लाइन को देखो नेक्स्ट फंक्शनल डिपेंडेंसी को देखो, डिटरमाइन के लिखा है बट ए तो हमारे पास अवेलेबल है बट जी नहीं है इसीलिए हम इसको के को डिटरमाइन नहीं कर सकते इसको छोड़ दिया हमने सो so फाइनली हमारे पास आंसर आ गया ई ए डी सी एफ अनदर क्वेश्चन आर इज ए बी सी डी एफ देन फंक्शनल डिपेंडेंसी सेट क्या है ना बी डिटर सी बी सी क्लोजर ऑफ बी और बी प्लस कैसे आएगा न बी से बी तो हम पहले लिख देंगे से सी आ रहा है वाला को देखो इसलिए सी आर कर दिया अभी बी एंड सी हमारे पास आ गया सो नेक्स्ट वन देखो बी सी डिटरमाइन ए डी लेफ्ट को देखो बी सी हमारे पास ऑलरेडी आ गया है इसीलिए हम राइट हैंड साइड ए डी को एड कर सकते हैं इसीलिए ए डी आर कर दिया अभी तुम्हारे पास बी सी ए डी आ गया अभी देखो नेक्स्ट वाला को देखो डी डिटरमाइन ई लिखा है हम चेक करेंगे लेफ्ट हैंड साइड में जो डी है वो हमारे पास अवेलेबल है क्या अभी तक यस डी अवेलेबल है तो हम ई बी डिटरमाइन कर सकते हैं इसलिए ई e हमने ऐड कर दिया नेक्स्ट फंक्शनल डिपेंडेंसी को देखो सी एफ लेफ्ट हैंड साइड में लिखा है सो so, सी तो हमारे पास है बट F नहीं है इसलिए हम इसको इग्नोर कर रहे हैं इसको हम नहीं ले सकते अभी हमारे पास फाइनल आंसर आया बी सी ए डीई क्लोजर इज यूज टू फाइंड A प्लस क्वेश्चन e. को देखो कैसे हम कैंडिडेट कीज फाइंड आउट कर रहे हैं ये आर एंड फंक्शनल डिपेंडेंसी सेट सब गिवन है बोल रहा है कि फाइंड कैंडिडेट कीज अभी देखो ये फंक्शनल डिपेंडेंसी को देखो ए डिटरमाइन बी सी पहले लिखा है सो लेफ्ट हैंड साइड में जो ए लिखा, so लिखा, लिखा, so लिखा है तो हम ए प्लस फाइंड आउट करेंगे देन नेक्स्ट फंक्शनल डिपेंडेंसी को देखो बी डिटरमाइन डी लिखा है इसीलिए हमने लेफ्ट हैंड साइड में जो बी लिखा है इसीलिए हम बी प्लस फाइंड आउट कर रहे हैं सो लेफ्ट हैंड साइड में यहां पे देखो सी लिखा है तो सी प्लस फाइंड आउट कर रहे हैं नेक्स्ट देखो यहाँ पे बी सी डिटरमाइन एफ लिखा है तो बी सी प्लस फाइंड आउट कर रहे हैं देखो हम पहले जो ए प्लस और क्लोजर ऑफ ए फाइंड आउट किया हमको रिजल्ट आया ए बी सी डी ई एफ मतलब सारे कॉलम आ गया मेरे पास मतलब टोटल टेबल आ गया अगर टोटल कॉलम सारे आ जाते हैं हम ए प्लस जिसका भी क्लोजर दिखा लेंगे उसको हम बोलेंगे ए इज ए कैंडिडेट की लुक हियर बी प्लस से खाली बी एंड डी आ रहा है मतलब सारे कॉलम्स नहीं आ रहे हैं इसलिए बी इज नॉट ए कैंडिडेट की सी प्लस से सी डी ई आ रहा है इसलिए सी इज नॉट ए कैंडिडेट Look, BC plus में से फाइंड आउट करेंगे तो बी सी डी एफ आर आई ए यहां पर छूट गया इसलिए बीसी इज नॉट ए कैंडिडेट की रिमेंबर कोई भी एट्रीब्यूट का क्लोजर फाइंड आउट करेंगे तो सारे कॉलम्स और टोटल एट्रीब्यूट सारे आ जाते हैं तो हम लिखेंगे कि दैट एट्रीब्यूट इज ए कैंडिडेट की सिमिलरली यू कैन सी अनदर एग्जाम्पल जहां पर हम कैंडिडेट की सब फाइंड आउट कर रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड में जो भी फंक्शनल डिपेंडेंसी है उसका लेफ्ट हैंड साइड का प्लस निकाल रहे हैं अगर सारे आ रहा है तो हम लिख रहे हैं भी हम कर सकते हैं एफ मतलब फंक्शनल डिपेंडेंसी का सेट जो है उसका क्लोजर भी टोटल हम फाइंड आउट कर सकते हैं यहाँ पे देखो फंक्शनल डिपेंडेंसी सेट गिवेन है इसमें एक दो तीन चार चार फंक्शनल डिपेंडेंसी है सो so, जितना भी फंक्शनल डिपेंडेंसी का है उसका लेफ्ट हैंड साइड में जो भी है उसका हम क्लोजर फाइंड आउट कर रहे हैं ओके सो ए यहाँ पे है तो ए प्लस किया बी है तो बी प्लस देन सी है तो सी प्लस कर दिया सो so बाकी ए प्लस तो ऑलरेडी कर चुके हैं सो so जितना भी हमारे पास आ गया अभी सबको हम डिटेल में लिख लिख देंगे फंक्शन डिपेंडेंसी सो वो हो जाएगा ए प्लस लुक हि ए प्लस से जितना भी आ रहा है हम डिटेल में लिख रहे हैं बी से जितना भी आ रहा है लिख रहे हैं सी से जितना भी आ रहा है डिटेल में लिख दिया तो दिस इज ऑल अबाउट ए प्लस